चंपू चाचा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? नाने जा क्या नाने क्या जा क्या नाने क्या जा क्या नाने क्या जा नाने जा। तो अगर आपको रॉयल वेडिंग करनी हो तो इधर आ सकते हैं। रॉयल वेडिंग है तो पैसे भी रॉयल टाइप ही लगेंगे। वो आप सामने देख रहे हो ना, वो ये बाहर पब्लिक के लिए बना हुआ, उसी रूम में गोल्ड प्लेटेड सन है जो राजा के लिए। बारिश के दिनों में जब सूर्य दर्शन में, तो आम पब्लिक यहाँ से सूर्य के दर्शन करते हैं। जब ये महाराणा से लड़ने आए थे, महाराणा ने तलवार के एक ही वार से उनके दो टुकड़े कर दिए। आपको दिख रहे होंगे इधर से। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फूडी फिल्म्स के तीसरे व्लॉग में। आज डेट है 25 और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:20। अभी डायरेक्ट उठकर मैं आया हूँ, ऊपर आया हूँ जो चौथे फ्लोर पर जो ओपन स्पेस है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी तो नीरव कुछ प्लान क्या हो रहा है जाने का? अभी तो जाएंगे, अभी उदयपुर घूमेंगे। उदयपुर घूमेंगे, अब देखते हैं कि क्या क्या ओपन है, क्या क्या क्लोज है। 4 बजे तो वैसे लॉकडाउन हो जाता है इधर, 4 बजे तक घूमेंगे। तो आप लोग देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए हमारे व्लॉग में। अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। हाँ जी, तो गाइस कैसा लगा आपको व्यू ऊपर से? अभी हम लोग सभी लोग रेडी होते हैं और उदयपुर घूमने के लिए निकलते हैं। अभी फिलहाल तो पवन भाई है, वो तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी उठे है। ए भाई, एक घंटा हो गया उठे तो अभी आपका मूड ऐसा क्यों है? थोड़ी तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम। तबीयत खराब है आपकी? कोई नहीं, हम गोली दे देंगे आपको, मेडिसिन दे देंगे, अभी आप ठीक हो जाएंगे। ऑनलाइन डॉक्टर है। और ये अपना नीरव भी ना धोकर आया। बोले का भंडारी। और पवन भाई ना अभी थोड़ा तैयारी कर रहे हैं नहाने जाने के लिए, पर पवन भाई गर्म पानी धार है। नहीं, वो चंपू चाचा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नहाने जा नहाने जा नहाने जा। तो मैं और केतुल दोनों ऊपर जा रहे हैं, चाय रेडी हुई कि नहीं वो पूछने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जल्दी नाश्ता करके हमें निकलना है। तो भैया को पूछते हैं, भैया नीचे 21 रूम में 6 चाय बोली थी, हो गई ना? कितनी देर रखी? 5 मिनट वाली। ओके ठीक है। तो केतुल भाई, मोहन भाई, दक्षिल भाई, सभी लोग, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। केतुल भाई, नाश्ता में क्या स्पेशल? खाखरा है, चाहिए खास करके रतलामी सेव है, जीगा भाई का चेवड़ा है, ये चवाणू है भाई। क्या चेवड़ा है जीगा भाई का? चेवड़ा लगा। ओके चवाणू। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बाद में सोया ठीक है। ओके, तभी जल्दी से नाश्ता करके बाद में निकलना, जल्दी करना लग। चल, उदयपुर की मार्केट है और इधर से ही रास्ता है ना, कहाँ जाने का? वो तो अभी जा रहे हैं, अभी देखते हैं। कहाँ जाने का रास्ता है? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस, अब देखते हैं कि सिटी पैलेस ओपन है कि क्लोज है, अब वहाँ पहुँच कर ही पता चलेगा। और अगर ओपन हो गया तो वहाँ की क्या मतलब कि पर पर्सन की फी होगी। भैया ये प्योर लेदर है, प्योर लेदर, ये टोपी की प्राइस क्या होगी? 350। अच्छा, दिखा दीजिए एक बार। वॉलेट है, वॉलेट जो भी उदयपुर था, यहीं से उधर की कोई भी चीज़ सभी यहाँ मिलती है। मैंने क्या पीछे दबा? 180 है इसका, 150 लेंगे। जो भी यहाँ आते हैं एक बार यहाँ के बहुत बढ़िया चीज बेचते हैं। ओके, तो पवन क्या क्या फाइनल किया? एक डायरी ली है। ये भैया दिखा दो एक बार फिर से। ये कितनी आइटम? ये 300 का मैं दिया, 450 का 300 में। ये पवन ने दिया है, अच्छा प्रोडक्ट है। ये एक डायरी और ली है, 350। ये क्या बोलते हैं इसे? पोडली। पोडली, ओके, 150 का। और भैया हमें दिखा रहे हैं ये क्या है भैया? ये मैग्नेट है, फ्रिज पे लगाने। फ्रिज पर या फिर किसी पर भी हम लगा सकते हैं जहाँ ये चिपक जाए। लोखंड पर, लोखंड लोखंड पर। तो नीरव भाई ये कितने का हुआ आप बता दीजिए? हमने टिकट लिया है, अगर स्टूडेंट है तो कंसेशन मिलेगा 100 रुपीज। अदरवाइज? अदरवाइज 300 रुपीज। तो अब हम लोग सिटी पैलेस अंदर आ गए और एक भैया है गाइड, वो हमें सब कुछ बताएंगे सिटी पैलेस के बारे में, क्या है क्या नहीं है। और भैया आपका नाम बता दीजिए। मेरा गौरव। गौरव भैया,
तो वो हमें बताएंगे। ओके 15 सेंचुरी का 16 सेंचुरी का यहाँ से फोटो खींच ले। इतनी सारी बाइक क्यों? अंदर स्टाफ वगैरह आता है ना उनके। अच्छा स्टाफ की इतनी बाइक। ओहो ये है महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल। के आसपास और सिटी है, पीछे न्यू सिटी है, शेरपुर अरावली पर पाला से गिरा। ओके ये राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस। ओके इसकी नींव रखी महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 में। ओके जब चित्तौड़गढ़ से इधर आए थे सबसे पहले फतेह सागर लेक के पास पहुंचे मोती मंदिर। इस तरफ जब शिकार करना है यहाँ पहाड़ी के ऊपर उनको एक गुरु मिले गोस्वामी जी। गुरु की सजेशन पे पैलेस की नींव रखी गई गोस्वामी प्रेमगिरी उन्हीं के आशीर्वाद से रखी गई। बाद में सिटी का नाम रखा था उदयपुर महाराणा के नाम से। उनसे लेके अब तक 24 राजा हुए, 22 राजा ने मिलकर पैलेस का निर्माण किया अलग अलग टाइम पर। इसको एड किया तो इतना बड़ा पैलेस है ना। 23rd राजा भगवत सिंह जी जिन्होंने पैलेस को म्यूजियम में कन्वर्ट किया 1969 में। okay. तो पब्लिक के लिए ओपन किया गया। अभी करंट राजा जी नीचे वाले आगे वाले पार्ट में रहते हैं। ये गाइस है ये जो आप देख रहे हो सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो इधर हाथी बांधे जाते हैं और ये स्लोप है तो इसमें एक हाथी बैठता है उधर एक तरफ उधर बैठता है तो इस तरह से हाथी इधर बांधते हैं। और ये रॉयल वेडिंग के लिए है। हाँ रॉयल वेडिंग के लिए ये पूरा ग्राउंड है। तो अगर आपको रॉयल वेडिंग करनी हो तो इधर आ सकते हैं। रॉयल वेडिंग है तो पैसे भी रॉयल टाइप ही लगेंगे। एक तरफ महाराणा एक तरफ ट्राइबल्स है, बीच में कैपिटल बना हुआ चित्तौड़गढ़। नीचे मेवाड़ी भाषा में स्लोगन लिखा हुआ है जो दर रखे धर्म को ताई राख करता आणि मंत्र जाप करे सो मेवाड़ी सरदार। जो अपने धर्म की रक्षा करता है कर्तव्य की पालना करता है वही मेवाड़ी कहलाता है। जो आप सामने देख रहे हो ना वो ये बात पब्लिक के लिए बना हुआ उसी रूम में गोल्ड प्लेटेड सन है जो राजा के लिए। बारिश के दिनों में जब सूर्य दर्शन में तो आम पब्लिक यहाँ से सूर्य के दर्शन करते हैं। अंदर वो गोल्ड प्लेटेड है इस रूम में बना हुआ। अच्छा रूम में राजा जी वो आगे वाले पार्ट में रहते हैं। नीचे वो रेड गेट है ना उधर से भी एंट्रेंस उधर से भी टूरिस्ट आ रहे हैं। इधर हम जो सामान साथ में लेते हैं वो चेक होता है और इधर से हमारी चेकिंग होती है। तो अब करते हैं हमारी चेकिंग। आपके टिकट चेक करवाना है। ओके नीरव आ जा जल्दी। अच्छा हाँ क्या नौ चौकी महल चौकी होता है। अच्छा और उसी के पीछे भगवान विष्णु विराजमान हैं। इस सेक्शन को बोलते हैं राय आंगन ये वाले सेक्शन को। अपन राइट में चलेंगे महाराणा प्रताप के वेपन्स रखे हुए दो तलवारें कवच है भाला इन सबका वेट जो है 35 kg। इसे घूमते हुए यहाँ से ऊपर चलेंगे हम देखेंगे महाराणा प्रताप जी है उनके वेपन्स रखे हैं अराउंड 35 kg वेट है उनका। तो अभी आपको दिखाता हूँ। तुझे बोल रहे धीस हुए प्लीज मुझे पता है चल हवा खाने के लिए रुका बहुत गर्मी है इधर। क्या है दर्मी? गर्मी गर्मी तो गाइस ये है हल्दी घाटी का पेंट। क्या महाराणा ने घोड़े के मुख पहली पेंट का मार्क्स कराया और हाथी के बीच में अपने घोड़े चेतक को हाथी कराया। जैसे सामने पहुंचे अपने घोड़े की लगाम खींची आगे की दोनों टांगे हाथी के सिर पे बांधे से जब मानसिंह के ऊपर वार किया हाथी की सूंड में तलवार है उससे घोड़े का पैर कटा घोड़ा जख्मी हुआ। लगभग 3-4 किलोमीटर उस युद्ध क्षेत्र से निकला घोड़ा तब ये नाला क्रॉस किया हीरा और घोड़ा अचेत हो गया घोड़े की डेथ हो गई। उनके बाद मिले शक्ति सिंह जी उन्होंने महाराणा को प्रणाम किया महाराणा को अपना घोड़ा दिया। अगर आप हल्दी घाटी जाते हो तो वहाँ पे मूवी बना रखा है यहाँ पे पेंटिंग मुगल सेनापति है। तब ये महाराणा से लड़ने आए थे महाराणा ने तलवार के एक ही वार से उनके दो टुकड़े कर दिए आपको दिख रहे होंगे इधर से। ये गुरु महाराज गोस्वामी जी उनके आशीर्वाद से पैलेस की नींव रखी गई पीछे भगवान विष्णु विराजमान। पेंटिंग में आप देखिए मेवाड़ के राजा भगवान श्री एकलिंगनाथ 24 ही राजा उनके अंडर में उनके दीवान थे। अभी इधर पैलेस में हम घूम तो रहे हैं बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भैया अच्छी अच्छी दर्शन में बता रहे पर एक प्रॉब्लम हो रहा है गर्मी बहुत हो रही है तो गर्मी तो रहने वाली है पर अभी क्या करें। ये जो कुंडा आप देख रहे हैं ना ये सिंगल पीस मार्बल का एक ही पत्थर का बना हुआ है। एक ही पत्थर का बना हुआ है मतलब कि इसकी काट कोट करके बना दिया गया है ना एक पत्थर से। वाह
वाओ इसको बोलते हैं लक्कू। हाँ एक लाख चांदी के सिक्के रखे जाते हैं जब भी नीचे नए राजा का राज तिलक होता है ना, राज तिलक के बाद राजा ऊपर बैठते हैं। हाँ इसका ऊपर से नीचे पब्लिक को लुटा लेते हैं, बाकी पैलेस के लिए यूज किया जाता है। गाइस पवन भाई का फोटो सेशन हो रहा है और इसका मुंह आप देखिए एक बार एक बार अभी जब फोटो ले ले तो मत फोटोग्राफर अभी फोटो क्लिक कर रहा है। आर्टिफिशियल लेक है। हां 1 2 3 4 5 5 लेक है। हां तो ये मेरी छोटी छोटी लेक और है 6-7 लेक। यहां से आप आगे चलोगे जहां तक आपको छोटे गेट और सकड़े रास्ते मिलेंगे। सिक्योरिटी रीजन से कभी भी अटैक वगैरह हो जाए तो सैनिक दौड़ के जाएगा और चुकी एंट्री करे उसकी गर्दन काट के जाए, और अगर शस्त्र वगैरह भी लेके आए और चलाने की कोशिश करे तो सकड़े रास्ते में वो चला नहीं पाए। हर चीज को व्यवस्थित और अच्छी तरह से डिजाइन किया। ये सारा लाइम स्टोन है चूना। ये राजा महाराजा के यहाँ जो फंक्शन होते ना, जैसा की आप फोटोग्राफी करते हो वीडियो बनाते हो ये क्या पहाड़ी क्षेत्र है? नीचे वाला पार्ट तो डाउन पास में पहाड़ है। ये पहाड़ पे है, ये फ्लोर पहाड़ पे। पहाड़ को गोल कवर करके सेक्शन बना है और इसके आगे वाले जितने भी पार्ट अपन बनाएंगे ना सिमिलर इसी लेवल। ये कौन सा फ्लोर है? ये पहाड़ के साथ तो ग्राउंड फ्लोर ही है। ग्राउंड फ्लोर लेकिन यहाँ पे ये पहाड़ है, आगे आपको फ्लोर दिखाई देंगे। फिलहाल हम थोड़ी देर बैठे इधर क्योंकि चलते चलते थक गए और बहुत गर्मी, बहुत ही ज्यादा गर्मी है अभी। पवन तू क्या सोच रहा है? डायरेक्ट होटल जाने का सोच रहा है कि अभी भी घूमना है तुझे? नहीं अभी तो थोड़ा घूमेंगे। पवन बोल ले हम आए, गर्मी बहुत ज्यादा है। अरे भाई वो ब्लैक वाली थैली कहाँ है जिसमें हमने वो शॉपिंग की थी? वो तो अब भैया कहाँ चलना है आगे? आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो फोटो ही क्लिक करवा रहे हैं, कब से आपका टाइम ज्यादा होगा वो भी है। हाँ मैं भी मेरा भाग ही कर रहा हूँ, 10-15 मिनट ज्यादा लगे होटल। हाँ तो सामने होटल उधर वो कहाँ पर? वो लेक के नेक्स्ट वो वाली ओबरो। हाँ ये ओबरो ट्राइडेंट सर, वो ऊपर वो देखो वो मॉनसून पे है सजन का। वो नहीं वो उधर उस टाइप का ही है, उधर सामने आगे। वाह ये फ्रंट में। हाँ ये फ्रंट में ये लीला पैलेस सिल्वर डोम वाला। वो नहीं उसके पीछे वो येलो टाइप दिख रहा है ना, वो तो चुन्ना पैलेस होटल है। ठीक है रॉयल फैमिली कहाँ पे? ये ये रियल फोटो है? हाँ ये तो 1857 में तो कैमरा आया था ना। अच्छा हाँ उसके बाद के जितने वो ओरिजिनल है, उससे पहले महाराणा प्रताप और इनके जो है वो इमेजिनेशन द्वारा बनाए थे। जैसे किसी ने वर्णन किया महाराणा ऐसे थे तो वैसे उनकी फोटो बनाई। तब तो ये जो बीच में वॉल दिख रही है ये वो है वॉल, ये वाली इधर वो फाइटिंग होती थी हाथी की। हाँ ये जग मंदिर आइलैंड। हाँ 2 बजे तक इसका चार्ज है 5:30 रुपीज, 2 बजे के बाद 8:30। हाँ ये लेक का राउंड करा थी बोट फिर आइलैंड पे ले जाते, ये आगे रेस्टोरेंट बनाओगे और ये यहाँ से अपन एग्जिट करेंगे वो सूरज देखा था ना उसके पास वाले गेट से, और बाहर वो रेस्टोरेंट जहाँ पे आप फोटो ले रहे थे पालकी खाना, और ये राजा जी का एक और होटल है गार्डन होटल गुलाबबाग जू के पास में। ये कहाँ पे है? ये गुलाबबाग जू यहाँ से आ रहा है इधर से हमने यहाँ से एंट्री किया। फिर ये चोरा ये एनवलम के अपन यहाँ से छोटे गेट से चढ़ते हैं, फिर अंदर से घूमते अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं, फिर अंदर घूमते अपन यहाँ पे आएंगे। ये आधा पहले से जेंट्स सेक्शन, ये आधा पहले से लेडीज सेक्शन। अच्छा जिसमें कुछ गैलरीज है वो देख के अपन बाहर आएंगे। ओके यहाँ पर राजा जी रहते हैं यहाँ पे। ये दोनों होटल
जहाँ पे राजा जी रहते उस पार्ट में किसी को लॉक नहीं, बाकी होटल्स में तो आप स्टे कर सकते हैं, बुकिंग करा के। चल के तो जा जल्दी, इधर बड़ा है ये बंक, इसमें हम आ ना जाए नीचे। यहाँ पर तो लॉक है, इमरजेंसी एग्जिट। इसका लुक देख कितना ग्रेट, तो भाई ये सब देख, लाइटिंग शीश में, फ्लोरिंग पे भी कांच है, अंदर डोम की तरफ देखिए आओ, छत की तरफ पूरा ग्लास का काम। अरविंद जी जी अरविंद भाई, अब अरविंद भाई है। 1950 से पहले राजस्थान पूरा राजपूताना कहलाता था। देश आजाद राजस्थान के चार जोन में, चार भाग, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और सीकर। मेवाड़ के अंदर आता है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कुंभलगढ़। मारवाड़ के अंदर आता है जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर। हाड़ौती के अंदर आता है कोटा, बूंदी, शेखावाटी के अंदर आता है जयपुर, जयपुर सिटी। उसमें क्या थोड़ा सा बोली में डिफरेंस होता है? वॉल पर ही पेंटिंग की हुई ना, लगभग 250 ईयर ओल्ड पुरानी पेंटिंग। थक गए अभी तो भाई, अभी हमने स्टार्ट किया है। हाँ वो बात भी ठीक है, राजा महाराजा नवा भी शौक बोलते इसे। तो अभी मैं दिखा था आपको लेक भी दिखा था इधर से। आप थक गए अभी? नहीं अभी थके नहीं है। कहाँ कहाँ घूमना अभी? पूरा पहले भाई दोपहर के 12 बज गए हैं। हाँ 12 बज गया, नहीं आपको नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये सबसे नजदीक पड़ता है नीचे चौक पे। हाँ यहाँ बीच में रानी बैठते हैं, यहाँ से सारे फंक्शन अटेंड करते हैं। रानी इधर बैठते थे और यहाँ से सारे फंक्शन वो देखते थे, जो नीचे से सूरा पूरा फंक्शन दिखते इधर से। तो ये मेकअप रूम था पहले का, इधर बैठ कर वो पूरा मेकअप वेकअप करते थे। हाँ फिर अब चेयर्स वगैरह आ गई, गेम्स खेलने के लिए चौपड़ वगैरह बना। ये हमारा में इस्टो बोलते हैं इसे, इस्टो ये नहीं है कि नहीं? चंगा भी थी। हाँ चंगा भी थी और अलग होता है। अच्छा ये कौन सा रूम है? इसी से कनेक्ट है। ये बैठक थी पहले। हाँ यहाँ पर प्राइवेट मीटिंग वो सब होता था राजा जी का, बड़ा बड़ा डिसीजन यही लिए जाते थे। बाद में चौक का नाम रखा मोर चौक, मोर चौक और नीचे माणक चौक, माणक चौक। हाँ उनका बेड है, उनका बेड एक सबसे कम हाइट के राजा थे, उनका बेड है राजा थे, ये पैरालाइज हो गए थे इसलिए व्हील चेयर है। ये बाथरूम था उनका, हाँ पैरालाइज हो गए थे उसके बाद का ना। 14 में जो हमने नीचे से देखा था वो सन वो इधर से, ये पब्लिक के लिए और गोल्ड प्लेटेड सन यहाँ पर है। जब भी सन नहीं निकलता तो राजा इधर से दर्शन कर लेते थे। जज करने का काटा था उस समय का कुछ इस प्रकार का था, जबकि अभी इलेक्ट्रिकल आ गया। किचन था, ये चिमनी, ये गट्टी वगैरह मसाला पीसने का। हाँ बहुत हाँ जी विलास, ये क्या? ये राजमाता जी का रूम, राजमाता जी का, गोपाल सिंह जी थे ना उनकी रानी, रानी का। हाँ तो गाइस ये आप जो फैन देख रहे हो वो पहले केरोसिन से चलता था, और ये बैठक थी ना, क्या बोला, बैठक थी। वाओ झुमर, रॉयल्टी फीलिंग कुछ चीज ही कुछ और थी। ये केतुल, ये अपना वाला है, इसमें गेहूं चावल भरने के लिए ड्रम है, क्योंकि हम लोग को खाना ज्यादा रहता ना।
उदय सिंह जी के इसके आगे वाला पार्ट बना। अच्छा, जिसमें इतना बड़ा हुआ। हाँ, ये जनाना महल है पूरा ये वाला। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद बना है नीचे वाले पार्ट नहीं है उसके ऊपर, उसमें देखो वो आइलैंड बना। हाँ, लेक पैलेस नहीं है, लेक पैलेस बना। फिर उसके बाद ये वाले पार्ट बने। ओके, ये 17-18 सेंचुरी का बने। ये वाले होटल्स वाले पार्ट बने। ठीक है, ये बोट राइड वाला पार्ट बना। हाँ, ये एंट्रेंस वाला पार्ट बना। ये पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे वहाँ पे बीच बीच में छोटा हुआ ना, अभी हम इधर है ना, अभी आप यहाँ पे ओके, यहाँ से घूमते हुए अपन नीचे आएंगे। नीचे आएंगे, फिर ये गैलरी देख के बाहर आएंगे। फिर अगर आपको बोट राइड करना है तो यहाँ से टिकट लेके आप नीचे जा सकते हो। अच्छा, तो अभी आप लोग ये देख रहे हैं, ये आपको मूर्ति पीछे से दिख रही होगी, ये हैंडमेड बनाई जाती थी पहले। देखिए सभी जगह इसका ऐसा टाइप ऑफ म्यूजियम है, जो रखते हैं उस तरह से रखी है। देखिए देख रहे हैं, ये है म्यूजिक लाइब्रेरी, एज ए बनाया गया है राजा महाराजा के वक्त पर। ये है सब कुछ था, तो अभी म्यूजियम टाइप से बना दिए है। गाइस ये आप देख रहे हैं, ये करंटली अभी राजा जी हैं, ये उनकी पूरी फैमिली है। ये राजा, ये उनके बेटे, ये उनके बेटे फैन है जो हमने ऊपर देखा था, जो रस्सी से खींचा जाता था वो वाला फैन है। तो ये है वो वाला फैन जो कि हमें दिखाने के लिए रखा है। ये सोल है, ये है सोल, ये है टाइपराइटर, ये है कैलकुलेटर, ये तो मिरर है, ये घोड़ा गाड़ी थी, ये है रानी है, उनका कॉस्ट्यूम है। गाइस मेरे तो बैंड बज गए इधर घूमते घूमते, थक गए हैं। अब अभी भी और जाना है, अभी थोड़ा ही है, अब थोड़ा ही है, अभी खाली दो तीन चीज़ें देखनी है और बाद में हम इस पैलेस से बाहर जाएंगे। थक गए वैसे तो। ये आप देख रहे हैं, ये है शादी का मंडप, जो राजा जी की डॉटर थी उनकी 2010 में शादी हुई थी, उसके बाद ये सब कुछ इधर ही रख दिया। पूरा चांदी का है जो आप देख रहे हैं, ये भी चांदी का है, ये भी चांदी का, ये भी चांदी का, सब कुछ चांदी का ही। अभी सब कुछ अंदर तो दिखा था आपको। तो ये है चांदी की बगी, पूरी पूरी चांदी की बगी बनाई गई है। ये है चांदी का हुक्का, पूरा पूरा ये चांदी के बर्तन है। ये पहनने के जो पहले के पोशाक थे वो है, मतलब कि पहनने के जो पहले के जो चप्पल थे वो थे। ये चांदी का फैन है, वो चांदी के फैन में मज़ा ले रहा है। नहीं चांदी का नहीं है ये, यही सब कुछ चांदी का है। तो ये जो आप एरोप्लेन देख रहे हो वो खेलने के लिए नहीं है, यह नाइट लैम्प है, एज ए नाइट लैम्प यूज़ होता है। फाइनली पूरा जो पहले से हमने घूम लिया है, अब ओपन स्पेस है तो वहाँ आप थोड़े फोटो क्लिक करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। हमने पूरा पैलेस घूम लिया है, तो अगर आपको यह पूरा पैलेस अच्छा लगा है, जो भैया ने एक्सप्लेनेशन किया वो अच्छा लगा है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ओ, मसाला वसाला डालते वो आएगा ना। ओके, ये क्या बना रहे आप? ये तो शुगर है, शुगर सिरप। भैया हमारे लिए मस्त लीमू सोडा बना रहे। दो ठंडी मत बनाना, चार ठंडी बनाना, ठीक है? नॉर्मल, थोड़ी ठंडी रखना, बहुत नहीं, बड़ी हाव गर्म लग रहा है, बड़ी हाव गर्म झड़ा थी। तो गाइस अभी तक आपको कैसा लगा पूरा व्यू, कैसा लगा पैलेस, कैसा लगा? अगर आपको अच्छा तो लगे होगा, अच्छा लगे तो आप लोग इधर घूमने आई हैं उदयपुर। तो आज का मतलब कि ये जो 25 वाला व्लॉग है, मतलब कि थर्ड व्लॉग अभी तक की है, और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आपको देखना है, तो फोर्थ व्लॉग देखना पड़ेगा। फोर्थ व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग वाला बनने वाला है, क्योंकि अभी हम इस जगह जा रहे हैं, आपको देखकर भी बहुत मजा आएगा। तो फोर्थ व्लॉग मतलब कि इसका 25 डेट का पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए बाय बाय, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। पवन भाई।
भाई की डट्टी टाइट हो गई है। पवन भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, थक गया अभी तो। थक गया तो बोटिंग तो करना है ना।